चंदौली में सदराजा विधानसभा क्षेत्र के धानापुर भदाहू के राम जानकी कुटिया के प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदराजा विधायक सुशील सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। शहरा से कानून से बंधा हुआ कश्मीर, वहां की हालात ऐसी थी कि रोज आतंकवाद होता था, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, वहां के हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होता था, हिंदुओं को वहां से पलायन हो रहा था, और वहां दो प्राविधान दो निशान कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी कि हमें वोट से मतलब था, कांग्रेस को वोट से मतलब था, इसलिए उन लोगों ने कानून वहां ऐसा बना दिया था 370 धारा का कि वहां पर जो है मालिक अगर भी है तो वो मुस्लिम ही है और अपने देश का मुस्लिम मालिक नहीं है, पाकिस्तान का मुस्लिम वहां का मालिक है। इस तरह का प्राविधान कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, और डॉक्टर साहब का यह भी विरोध था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिंदुस्तान के अंग पे हम सब का अधिकार है, और उन्होंने पद को त्याग दे दिया। पद को त्याग करने के बाद वो धरने पे बैठ गए। ऐसी हालात रहे कि कांग्रेस की सरकार ने उसको उठा करके बंद कर दिया, और उनको बंद करने के बाद उनकी संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अब संदिग्ध अवस्था यही था, कांग्रेस को लगता था कि ये बहुत बड़ा देश में इसके खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाएगा, और अगर ये धरना प्रदर्शन इनका चलता रहेगा तो पूरे देश में इसकी लहर पैदा हो जाएगी और हमारा वोट भी नुकसान होगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत माता के लिए पद का त्याग कर दिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, लेकिन जब उनको लगा कि सरकार भारत माता के साथ कुछ अन्याय कर रही है तो उन्होंने सरकार के खिलाफ ही बिगुल बजाना शुरू कर दिया, और उन्होंने ऐसा बिगुल बजाया कि कांग्रेस की सरकार को उनके खिलाफ कड़े फैसले करने पड़े, और स्थिति यहाँ तक पैदा हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कश्मीर में